नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे सीनियर चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, टाटा स्टील मास्टर चेस टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने विश्व के नंबर 10 खिलाड़ी रिचर्ड रापोर्ट को पराजित करते हुए संयुक्त बढ़त में अपना स्थान बना लिया है। मतलब विदित और मामेदरों के साथ अब मैग्नस कार्लसन भी जो है टूर्नामेंट को लीड कर रहे हैं। कल एक मुकाबला खेला गया जिसमें मैग्नस कार्लसन सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे, काले मोहरों से रिचर्ड रापोर्ट थे। रिचर्ड रापोर्ट इस टूर्नामेंट में 3 जीत हासिल कर चुके हैं, बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं और उनके खिलाफ ये जो जीत मैग्नस कार्लसन की आई ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले में क्या कुछ हुआ। कार्लसन सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे, नाइट F3 से शुरुआत करी यहाँ पर, D5, D4, नाइट F6, C4, E6 और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओपन कैटलन मैग्नस कार्लसन ने एक बार फिर से प्रेफर किया G3 खेलते हुए। यहाँ पर D into C4 मारा रिचर्ड रापोर्ट ने, नाउ बिशप G2, नाइट C6 नॉर्मल लाइन है और आप फिर C4 पर आक्रमण का प्लान बनाते हैं। पहले तो कैसल कर लिया यहाँ पर रुक B8। अब रुक B8 आने का पर्पस जो है ये है कि एक तो आप B5 को जो है वो खेलने वाले हैं। ओके, यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने जो चाल चुनी वो नेचुरली नहीं खेली जाती है, वो है बिशप E3। अब ये जो बिशप E3 मूव है इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं? फ़ायदा ये है कि जब हम इसके अलावा जब हम यहाँ पर E3 वगैरह कर देते हैं तो आप देखिए कि ये जो बिशप होता है इसके लिए आपको बाहर निकालने के लिए दिक्कत जाती है। दूसरा, मैग्नस कार्लसन ने क्या किया है कि जो E2 का पॉन है इसको फ्लेक्सिबल रखा है, मतलब फ्यूचर में कभी यूज़ करेंगे, करना होगा तो अभी उसको इस्तेमाल जो है नहीं करेंगे। ठीक है, नुकसान सिर्फ इतना हो सकता है कि अभी जो D4 का पॉन है वो पूरी तरह से फिक्स नहीं है। अब आपको चूँकि पॉन से बढ़ते तो वो अलग सपोर्ट होता तो बिशप आपका जो है वहाँ पर बिजी रहेगा। अब आगे देखते हैं गेम में क्या हुआ। बिशप D6 और क्वीन C1 और आपको बताऊं कि 8वीं चाल के बाद ही ये पोजीशन बिल्कुल नई पोजीशन आ चुकी है, मतलब इसके पहले जो है इस तरह की पोजीशन जो है नहीं खेली गई है। तो ये एक बड़ी बात होती है कि आप विश्व चैंपियन से खेल रहे हैं और मैग्नस कार्लसन बिल्कुल भी हिचकते नहीं है एक नई पोजीशन में जाने में। और ये कोई इस तरह की पोजीशन नहीं है जहाँ पर मैग्नस कार्लसन को कोई एडवांटेज हो, नहीं, ये सिर्फ एक फ्रेश पोजीशन खेलने की उनकी जो है एक आदत डेवलप हो रही है कि वो रटी रटाई पोजीशन या डीप ओपनिंग थ्योरीज में नहीं खेलना चाहते हैं और अपोनेंट को कुछ भी अलग खेल के आउट ऑफ थ्योरी ले जाते हैं और फिर वहाँ पर वो जो है सामने वाले की जो स्किल है उसको परखते हैं कि भाई कितनी दम है आप में। ओके, B5 यहाँ पे ब्लैक करता है बट मैग्नस कार्लसन के पास जब उन्होंने क्वीन C1 खेला है तो वो एक बहुत ही कारण से खेला गया। B3 आता है क्योंकि आप यहाँ पर आप ये पॉन नहीं मार सकते हो बिकॉज आपका यहाँ पर आप देखो कि आपका घोड़ा जो है वो हैंगिंग है और विद द चेक है, वो मतलब चेक आ रही, वरना तो B2 आ जाता है। तो बिशप B7 यहाँ पे अपोनेंट ने खेला, तो अपोनेंट ने जो B5 मूव खेला ये दरअसल अपोनेंट ने सोच समझ के ही खेला कि उसका जो है यहाँ पर बिशप जो है आ जाएगा और बाद में वैसे भी ये रुक के लिए ओपन फाइल खुली हुई है। ओके, कार्लसन यहाँ पे अपना पॉन रिकवर कर लेते हैं, पॉन बराबर हो जाता है और अब ब्लैक खेलता है नाइट B4। दरअसल वो जो नाइट C6 पे है वो बहुत अच्छा है नहीं, तो उसको D5 के जरिए जो है रीग्रुप करना है क्योंकि वैसे भी ये पॉन अभी E2 पर रखा हुआ है तो E4 का प्रॉब्लम अभी है नहीं। ओके, A3, नाइट D5, बिशप G5, मैग्नस कार्लसन जाते हैं। अब ये मूव मैग्नस कार्लसन फाइनली रियलाइज करते हैं कि ये बिशप यहाँ पर काम का नहीं है, इसको हटाना होगा और फिर आप कौन से हो सकता है फ्यूचर में सपोर्ट लगाए अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, ओके, तो उन्होंने किया कैसल, नाइट BD2, इसके साथ ही कार्लसन के सारे पीसेज जो है बोर्ड पर आ जाते हैं। अगर आप पोजिशन को जज करने की कोशिश करेंगे तो आपको सिर्फ एक वीकनेस सा लगेगा ये वाला, है ना, जो ब्लैक का एक्स्ट्रा है, बाकी पोजिशन जो है दोनों की सिमिलर है। और एक बात और कि यस, कभी भी E4 आएगा तो ब्लैक वाइट के पास जो है वो सेंटर रहने वाला है। यहाँ पर H6 करके मैग्नस कार्लसन से उन्होंने पूछा कि क्या करोगे आप इस बिशप का। अब ये पोजीशन ऐसी है कि मजबूरी है कि वो बिशप से F6 मारना पड़ेगा क्योंकि और कोई जगह है नहीं। E3 आते हैं तो नाइट E3 जो है उतना अच्छा माना नहीं जाएगा और अपोनेंट का बिशप भी वैसे ही ओपन हो जाएगा। तो मैग्नस कार्लसन यहाँ पर बिशप दे दिया, बिशप F6, नाइट F6, नाउ रुक F7 और कार्लसन ने बोला कि ठीक है, अब मेरा टारगेट ये पॉन है। नाइट D7 यहाँ पर रिचर्ड रापोर्ट ने खेला कि ताकि वो C5 करके इस समस्या से जो है निजात पा सकें। कार्लसन ने खेला क्वीन A4 और उन्होंने A7 पॉन को मारने में इंटरेस्ट दिखाया जो कि ठीक है, मतलब यहाँ पर C5 किया ब्लैक ने और यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने क्वीन इनटू A7 मार लिया और ये पोजीशन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पोजीशन थी जो यहीं से आप देखिए कि कार्लसन की समझने की क्षमता और सामने वाले की समझने की क्षमता में अंतर पैदा होने लगता है। अब यहाँ पर देखिए रुक गेट वगैरह तो आ नहीं रहा क्योंकि क्वीन इनटू B7 मर जाएगा, तो यहाँ पर एक्चुअली में एक चाल थी और वो चाल बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पर बिशप, इन्होंने क्या किया, बिशप इनटू F3 मारा, अपना बिशप दे दिया
और उसके बाद क्या हुआ कि जो कार्लसन का बिशप था F3 वो बहुत ही मजबूत हो गया। यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ पे बिशप D5 खेल सकते थे, क्योंकि आप देखिए फोर्सफुली क्या हो रहा है, अगर फॉर एग्जांपल वाइट E4 खेले तो रुक A8 से क्वीन ट्रैप हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जैसे ही आप यहाँ पर बिशप D5 खेलते, अपोनेंट को या तो क्वीन A6 या क्वीन A4 से जो है भागने की कोशिश करनी पड़ती है। अगर क्वीन A4 से आते तो नाइट B6 के बाद ब्लैक फाइन है, मतलब एडवांटेज मिल रहा हो D4, फिर पॉन आप मारोगे। और अगर यहाँ पर इन्होंने खेला मान लीजिए कि क्वीन A6, तो बिशप E7 खेल के यहाँ पर E4 आया अभी, तो बिशप A8 और ब्लैक फाइन है यहाँ पर। रीज़न ये है कि रुक काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, बिशप काफ़ी अच्छा है, तो पोजीशन जो है यहाँ पर फाइन है। ओके, उन्होंने बिशप इंटू F3 मारा। ओके, कार्लसन ने बिशप F3 मारा, नाइट F3 मारते तो रुक 8, क्वीन B7, इस तरह से जो है उन्हें कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता था। इसीलिए कार्लसन ने बिशप को एक्टिवेट रखा ताकि ये जो स्क्वायर हैं ये उनके कंट्रोल में रहें और क्वीन पर कोई अटैक जो है वो ना आए। ओके, सो बिशप F3 ना, यहाँ पर ब्लैक जो है पॉन जो है वो मार लेता है, और अगर आप देखो तो पॉन बराबर है सेंटर पर, तो इक्वलाइज लग रहा है। लेकिन यहाँ पर रुक ए, क्योंकि अभी A3 का पॉन जो है वो अंडर अटैक हो सकता है, यहाँ पर पहले रुक ए इन्होंने खेला A2 पर। ओके, अब यहाँ पर अगली चाल क्या आती है, क्वीन E7 A4। अब कार्लसन के पास देखिए कि यहाँ पे एक फास्ट पॉन है ये वाला, और अपोनेंट का ये जो पॉन है यहाँ पर संकट है। ये वो मौका था रापोर्ट के पास, जो शायद वो E5 वगैरह खेलते हैं यहाँ पर, अगर कार्लसन E5 बढ़ते हैं तो F5 खेलते भी, देखिए E4 से लॉक हो रहा है, बिशप यहाँ पर D5 चेक देना पड़ता, किंग H7, और अगर बिशप C6 रखता, मेरे ख्याल से यही वो चाल है जो कि मिस हुई है यहाँ पर रापोर्ट से, और शायद बिशप C6 के बाद उनको कंफर्टेबल नहीं लगा और इसीलिए उन्होंने वो D4 का पॉन देके एक्टिविटी पे खेलने का डिसाइड किया। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में रुक FC8 जो है वो मूव आ रहा था, क्योंकि ये रुक जो है आप देखिए अभी मतलब ये बिशप जो है अभी पिन है, अभी ये नाइट को नहीं मार सकता है, और नेक्स्ट मोमेंट रुक यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर जो है इवन यहाँ पर जो है रुक जो है वो C7 जैसी मूव्स भी फ्यूचर में आ सकती हैं। तो ये वो मूव था शायद जो वो नहीं देख पाए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर समझ लीजिए कि रुक C2 वगैरह खेलने के लिए जाते हैं तो क्या होगा कि रुक C7 के बाद जो है यहाँ पर वाइट जो है वो गेम हार जाएगा, तो ये शायद मूव मिस हुआ। तो उन्होंने क्या खेल दिया यहाँ पर, रुक FD8 और कार्लसन ने D4 का पॉन मार लिया, और इसके बाद तो रुक B4 उन्होंने खेला, बट क्वीन C3, नाइट B6 आए, ऐसा लगा कि पीस की एक्टिविटीज़ है, लेकिन एक्चुअली में ये जो पॉन था वो रोकना इम्पॉसिबल हो गया था। A5 आया, उन्होंने खेला, अभी आप देखो नाइट हटते हो तो A6 आ रहा है, तो उन्होंने खेला क्वीन A7, ये दूसरा ब्लंडर हुआ पोजीशन में, और कार्लसन ने क्वीन E3 से नाइट को जो है पिन कर दिया यहाँ पर। और इसके बाद गेम जो है उन्होंने कोशिश करी जैसे कि बिशप E7 खेला, बट रुक C2 से उन्होंने D2 भी बचा लिया और A2 पे सपोर्ट भी लगा दिया। तो उसके बाद बिशप G5, बट क्वीन C5, बिशप E7 एंड फाइनली A into B6 यहाँ पर वेरिएशन ढूंढ लिया, नाइट मार दिया, इन्होंने रुक मारा, बट क्वीन E7, अभी देखिए क्वीन मर रहा है, रुक मर रहा है, और तो फाइनली यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया क्वीन C2, बट क्वीन D8, किंग H7 और B7 के बाद यहाँ पर रिचर्ड रापोर्ट ने रिज़ाइन कर दिया। तो रिचर्ड रापोर्ट के हाथ से गेम जो गया, बेसिकली जो गेम गया वो इस मूव के बाद जो है ज़्यादा अच्छे से गया, बट मुझे लगता है ये जो डिसीजन था बिशप इंटू F3, यहाँ पर शायद जजमेंट एरर भी है, क्योंकि BD5 के बाद ब्लैक को काफ़ी अच्छा प्ले यहाँ पर मिल रहा था, तो बिशप इंटू F3 देना भारी पड़ा बाद में, और दूसरा यहाँ पर काउंटर ना लेना, जैसे कि जो रुक FB8 की जगह E5 ना खेलना जो है ये भी भारी पड़ा, वरना रिचर्ड रापोर्ट का गेम अच्छा हो सकता था। खैर, इस जीत से मैग्नस कार्लसन जो है वो उन्होंने एक बार फिर से दिखा दिया कि उनके खिलाफ आप पास्ट पॉन दे करके तो गेम बिल्कुल ना ही खेलें, क्योंकि उनके कैलकुलेशन पास्ट पॉन को लेकर के बहुत ही सटीक होते हैं, और कार्लसन के साथ यही है कि एक हल्का सा एरर जो है वो आपको हार के मुहाने पर ला के खड़ा कर देता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे चेस बिज़ इंडिया, चेस बिज़ इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद।